प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की द्वितीय पुण्यतिथि पर देहरादून नगर निगम में द्वितीय स्मृति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी विमला बहुगुणा और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर, बीच बचाओ आंदोलन के विजय जड़धारी और वैज्ञानिक राजेंद्र डोभाल सहित अन्य मौजूद रहे। द्वितीय पुण्यतिथि स्मृति के अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अनियोजित विकास लोगों से आजीविका के साधन छीन रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार कभी नहीं लेती है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग बाबत एक रोड मैप दिया है, मगर आज सत्ता के चाबुक में फंसी नीतियां इसके विपरीत कार्य कर रही हैं। यही वजह है कि दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं का क्रूर रूप सामने आ रहा है। देखिए, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसको हमें अपनी आने वाली नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र करनी है, उनको बताना है कि वो क्या थे, ताकि हम उसको प्रतिपादित कर सकें, खासकर सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए। उनका जो एक बहुत बड़ा योगदान नशाबंदी के लिए भी रहा है, लोग उनको पर्यावरण का ज़्यादा बोलते हैं, वो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और वो कम जो गरीब महिलाओं के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो इस चीज़ को हम आगे ले जाना चाहेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में हिमालय प्रहरी नाम से सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें विजय जड़धारी के उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए इस कार्यक्रम में इस वर्ष हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 विजय जड़धारी को प्रदान किया गया। देखिए, ये सही वक्त है सुंदरलाल बहुगुणा जी को याद करने का। एक दो 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 चीजें हैं, एक तो प्रकृति चेता रही है कि हमें संभल जाना चाहिए। प्रकृति, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण मतलब सभी धरती का जीवन ही संकट में है। एक तरह से हमारा जीवन तो है ही, लेकिन धरती का जीवन भी संकट में है। सुंदरलाल बहुगुणा उस समय ये बात कहते थे। दूसरे में ये कि हिमालय संपन्न है, हमारे यहाँ अच्छे जंगल हैं, सारी नदियाँ यहाँ से जा रही हैं, लेकिन हिमालय पर जो एक तरह सा जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो कभी त्रासदी हो रही हैं, कभी बादल बम बनकर बरस रहे हैं, वो है। और जो सरकारों की जो नीतियाँ भी हैं वो प्रकृति के एक तरह से अनुकूल नहीं है, प्रकृति से के साथ रह के नहीं बल्कि प्रकृति के खिलाफ ही जो कुछ हो रहा है, प्रकृति के खिलाफ ही हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उस ज़माने में से लेकर अभी 8-10 साल पहले तक जो चेताया, हमें उस दिशा में कुछ तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमें आगे चल के पछताना पड़ेगा। इस दौरान समारोह की मुख्य अतिथि व जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि देश भर में प्राकृतिक संसाधनों पर भारी लूट होने लगी है। उन्होंने सत्ता को ललकारते हुए कहा कि कभी तो संविधान और मानवाधिकारों का ख्याल रखो। सुंदरलाल बहुगुणा जी एक पहाड़ी व्यक्तित्व तो थे ही, पर उनका जो मिट्टी पानी बयार यानी जल जंगल जमीन के बारे में, हवा के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो संदेश था वो आज सबसे अहम संदेश है, क्योंकि आज विकास की अवधारणा न केवल ऊर्जा आधारित लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाली हो रही है। और तुलना में देखेंगे तो बहुत ही कम समुदाय उससे लाभार्थी है और बहुत बड़ा प्रकृति पर निर्भर एक एक समुदाय बहुत भुगत रहा है। आज जोशीमठ धस रहा है तो हिमालय एक प्रकार की चेतावनी दे रहा है, चुनौती दे रहा है। वेस्टर्न घाट्स, पश्चिम घाट भी धस रहा है, हर जगह नदी बर्बाद हो रही है, हर जगह जो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसमें कोई पर्यावरणीय और सामाजिक आघातों का अध्ययन भी नहीं किया जाता है। पर्यावरणीय कानून कमज़ोर किए जा रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि कॉरपोरेट्स को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है इन विकास परियोजनाओं से और उसके सामने किसी की परवाह नहीं है। और उसका
चंदा जाता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं, राजनीति में मदद होती है, तो वही एक आधार बन गया है कि विकास के नाम पर क्या कर। प्राथमिकताएं बदल गई हैं। संसद भवन तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? हज़ारों करोड़ रुपया आज बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए खर्च होने चाहिए, और रोजगार मूलक अर्थव्यवस्था भी कैसे बनेगी? प्रकृति पर निर्भर ही समुदायों की ज़्यादा आजीविका बचाने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर राजनेताओं का अगर ध्यान नहीं है तो जन आंदोलन ही आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए उत्तराखंड आज जो भुगत रहा है, न केवल तपोवन विष्णुगढ़ में जो श्रमिक मर गए उनकी केवल बात नहीं है, आज सब कुछ मृत्यु के कगार पर ढकेले जाएंगे क्या, इस सवाल का जवाब लेना जरूरी है। और यहाँ जाति धर्म के नाम पर तो पूरे देश में आज माहौल बदल रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रकृति और संस्कृति जो समता की, सादगी की, स्वावलंबन की, उसको आगे बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है। सुंदरलाल बहुगुणा जी की विरासत यही रही है, अहिंसक सत्याग्रह की रही है, प्रकृति बचाने की रही है, आत्मनिर्भरता की रही है, और सत्याग्रही बनकर उन्होंने दलितों से लेकर पहाड़ी महिलाओं तक सबके साथ लेकर आगे बढ़ा, वो आज जरूरी है युवा और महिलाओं के अगुवाही में। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने एक बार फिर सुंदरलाल बहुगुणा के हिमालय को बचाने के प्रयासों को याद किया। कार्यक्रम का संचालन राजीव नयन बहुगुणा, समीर रतूड़ी ने संयुक्त रूप से किया।